Hello, Anil Bhai. और सुनाओ अनिल भाई, किधर हो आजकल और काम काज कैसे चल रहा है? ठीक है यार। हाँ, इधर ही आया था साइट पर। एक काम फाइनल होते आ रहा है। लेकिन वो मालक है ना यार, पेमेंट के लिए खिचकिच 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 करते रहता है, और फिर फिलहाल दूसरे कोई काम भी नहीं है, सब काम ठंडे है यार। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? अरे मेरा तो एक मिनट। हाँ बड़ू। हाँ सुन, मंगलवार और गुरुवार के बीच में 3 स्लैब हैं, ठीक है? और हाँ, तीनों जगह तुम्हारे सारे आदमी और मशीन सही समय पर पहुंचने चाहिए। हाँ और हाँ, तीनों स्लैब बड़े हैं, मतलब 100-125 बैग लग जाएगी। हाँ, हो जाएगा। ओके। क्या बात है? अरे अपना बाड़ू है ना, गैंग वाला, वो बोल रहा था कि तीसरे स्लैब के वक्त बड़ी पार्टी होनी चाहिए। क्या बात है। हाँ यार, पार्टी तो होनी चाहिए, और फिर तेरे काम भी तो जोरों पर चल रहे हैं। अरे गुरुजी, हमें भी तो कुछ ज्ञान दे दो भाई। अरे अनिल भाई, तुम तो जानते हो कि 2 साल पहले मेरी भी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने अंबुजा सीमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप में भाग लिया, तब पता चला कि हर काम को सुचारू रूप से करने के लिए हर पहलू पर किस तरह बारीकी से ध्यान दिया जाता है। अरे लो, देशमुख साहब यही आ रहे हैं, इनका काम हाल ही में पूरा हुआ है। साथ में पाटिल साहब भी है, इनका नया काम अभी शुरू होने वाला है। आइए आइए देशमुख साहब, आइए 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 आइए, आओ आओ। अरे आइए पाटिल साहब, आप भी आइए। पाटिल साहब, इनसे मिलिए, ये है मेरे मित्र अनिल। गणेश भाई, आपने जो पाटिल साहब को परसों रेट कोटेशन दिए थे, उसको फाइनल करने के लिए आज हम आए हैं। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि काम A1 होना चाहिए, जैसे मेरे घर का किया था ना, उसी तरह। देशमुख साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। लेकिन गणेश जी, वो सब बराबर है, लेकिन भाव का क्या? मार्केट के रेट से आपका कोटेशन 10% ज्यादा है। पटेल साहब, देशमुख साहब मेरा काम जानते हैं, मैं तय की गई समय सीमा, काम की क्वालिटी और उसी रेट में सारा काम कंप्लीट करता हूँ। हाँ, इसने जो बोला उसकी मुझे पूरी गारंटी है। अब देशमुख साहब की स्लैब की बात देख लो, होली के अवसर पर मेरे रेगुलर मिस्त्री और मेरे लेबर छुट्टी लेकर गांव चले गए, तब मैंने मार्केट से दुगनी कीमत चुकाकर लेबर उठाकर इनका काम पूरा किया, और इस काम का मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया, क्योंकि ये सब प्लानिंग मैंने रेट कोटेशन देते वक्त ही कर ली थी। हाँ, ये सच है। अरे साहब, देशमुख साहब के स्लैब की बात नहीं, बल्कि जिस जिस साइट पर मेरा काम शुरू है, वहाँ का सारा लेखा जोखा मेरे पास है। मैं अभी दिखाता हूँ। अब आप बताइए पटेल साहब, और कुछ? अरे गणेश भाई। हाँ, आ रहा हूँ, अब बस 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट अनिल। हाँ, तब तक ठीक है। पाटिल साहब, मेरा अनुभव कहता है कि आप ये काम गणेश को ही दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों से इसका काम करने का तरीका अलग है और योजनाबद्ध है। रोज रोज नई तकनीक का इस्तेमाल करके बांध काम को और ज्यादा अच्छा करने का हमेशा प्रयास करता है, जैसे स्लैब पर मॉड्यूलर क्यूरिंग, बिना पानी की तराई का तरीका, और साथ में कंक्रीट को 15% से ज्यादा मजबूत करने के लिए इंस्टेंट मिक्स प्रोपोर्शनिंग का उपयोग करता है। चलो देशमुख साहब, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, देख लो। गणेश भाई,
हम आपका काम पक्का करते हैं और जल्द ही इस काम का शुभारंभ करते हैं। वाह, धन्यवाद पाटिल साहब, धन्यवाद। और बाकी कोटेशन? गणेश भाई, आज का यह अनुभव भविष्य के लिए बहुत सारी सीख दे गया। ठेकेदार भाइयों, चलिए हम सब बढ़ाते हैं एक और कदम प्रगति की ओर, अंबुजा के संग। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हम में हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।